जैसे महाकाल आदेश। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सर्व कार्य सिद्धि यानी मनोकामना पूर्ति के लिए होती है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो जिनको व्यक्ति मनोकामना के रूप में मान लेता है, जैसे उसका विवाह नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको विवाह के लिए, ये सभी को पता है कि सुदुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये श्लोक है। इस श्लोक को संपुटित करके, लेकिन संपुटित कैसे करना, इसको नवाण मंत्र से संपुटित करें, और नवाण मंत्र से संपुटित करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, इस तरीके से जाप करें एक माला, और फिर 11 माला कुंजिका मंत्र का जाप करें, और फिर एक माला इसी प्रकार से जाप करें, और ये उसको 21 दिन करना है, और हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि ये मैं 21 दिन जाप करूंगा इतना, यानी 21,000 उसका कुंजिका मंत्र जाप हो जाएगा, और 42 माला ये जाप हो जाएंगी 21 दिन में। तो फिर हाथ में संकल्प करें कि मैं इतना इतना जाप कर रहा हूं मां, और कृपा करो मेरी मनोकामना पूर्ण करो, और जैसे ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी इतना जाप में और करूंगा। इस तरीके से संकल्प लेकर वो इस जाप को आरंभ कर दे। लेकिन इसके आगे भी और भी चीजें कि धन, धन भी एक आवश्यक चीज है। फिर धन के बाद भाई विवाह हो गया, धन चाहिए, और धन के साथ फिर कुछ दिन में एक और मनोकामना जन्म लेगी, पुत्र की। तो सबसे उत्तम है एक और श्लोक, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इसमें आपने सारा कुछ मांग लिया है, सब कुछ मांग लिया है, इसमें कोई भी मांग शेष ना रहे, तो इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें एक मनोकामना नहीं है, इसमें समय अवधि आप निश्चित नहीं कर सकते हैं। यह होगा, निश्चित होगा, सर्व बाधा विलीन मुक्त, सभी बाधाओं से मुक्त, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी चिंता नहीं। धन धान सुतान्विता, भाई जब आपका विवाह नहीं होगा तो सुत कहां से आएगा? तो विवाह तो गौण हो गया, छुप गया, पत्नी छुप गई और विवाह छुप गया, यहां सीधा सुत हो गया कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य और सुतान्विता। धन भी आए, धान्य भी आए, और पुत्र भी प्राप्त हो, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, मां भगवती की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन भर हर संशय से मुक्त रहता है। तो सबसे उत्तम जो मुझे लगा वो ये है। और भक्ति के लिए जैसे मान लो, एक वो होती है ना, जब मैं बताता हूं कि बिल्ली भक्ति और बंदर भक्ति, मैं नहीं बताता हूं, मैंने भी सुना हुआ था, बहुत ज्ञानी थे। तो बिल्ली भक्ति और बंदर भक्ति, बंदर का बच्चा खुद अपनी मां को पकड़ता है और बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को पकड़ती है, तो मां की पकड़ ढीली नहीं हो सकती। बच्चा अगर खुद पकड़ेगा तो गिर सकता है, तो उसके लिए ये तो हो गई मांगे। उसके लिए सबसे अच्छा है कि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका भी आप जाप कर सकते हो और लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो इसको करिए और लाभ प्राप्त करिए। लेकिन वो जो है जो मध्य में सर्वाबाधा विनिर्मुक्त हो, वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे आप सभी चीजें, भौतिकवादी सभी चीजें प्राप्त कर पाओगे और मां की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो बस ये छोटा सा उपाय है मनोकामना पूर्ति का, इसको करना है, करना वही तरीका है कि पहले एक मंत्र बोला, ओ मैं ग्रहण कर चामुंडा विचे सर्वाबाधा विनिमुक्त धन सुधान मनुष्य मत प्रसाद भविष्य न संशया, ओ मैं ग्रहण कर चामुंडा विचे, तब एक मन माला मन का खिसके, फिर ओ मैं ग्रहण कर चामुंडा विचे
इस प्रकार एक माला करनी है, 11 माला कुंज का मंत्र भी करनी है, फिर एक माला ये करनी है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। जो नहीं बैठ पाते हैं इसमें लगभग लगभग 2.5-3 घंटे का वक्त लगेगा, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 3.5 भी लग सकते हैं, समय लगेगा। लेकिन ये एक बार में ही करना है, चाहे आप रात्रि में करिए, चाहे आप दिन में करिए, और 22वें दिन हवन कर लीजिए। हवन ऐसे ही करना है जो आपने की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्ना सुतान्विता मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यत्ना संशया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा। ठीक, कुंजिका मंत्र का वैसे करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ओम ग्रौं ह्रीं क्लीं जूं सा ज्वले ज्वले ज्वो ज्वो पज्जो पज्जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ज्वलं समलं चं फट स्वाहा। तो इस प्रकार से अगर आप जाप करेंगे तो ये आपकी, देखो मनोकामनाएं क्या होती हैं कि ये यही वाली मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो इस प्रकार की मनोकामनाएं हैं, जैसे किसी महिला को वर, मतलब महिला नहीं, किसी लड़की को अगर सही वर और घर नहीं मिल रहा है तो वो भी इस प्रकार के उपाय कर सकती है, मां से प्रार्थना करके, तो ये कर सकते हैं। और बस वो पत्नी मनोरमा देही वाला ना करे, कोई लड़की वो वाला कर ले, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्ना सुतान्विता मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यत्ना संशया। क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है, वो मंत्र तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक थे उन्होंने पूछा कि क्या करें, एक वही उनसे जिनकी मैं बात बताता हूँ, ज्वाला दादा की, वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और वो बिल्कुल मानासन है। तो ज्वाला दादा ने उनको बता दिया, मंत्र याद नहीं आ रहा है कौन सा था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो उसमें रक्षति स्वाहा था, और उसने सुना भक्षति स्वाहा, और बस उसने आगे से वो लगा के और पत्नी का नाम उसमें अमुकम में लगा के और भक्षति स्वाहा कर दिया। 3 दिन में उसकी पत्नी मर गई। अब उसने वो दाह संस्कार किया बाल मोड़ वाली, ऐसे ही वो दादा निकले वहां से, उसने देखा, उन्होंने देखा, काहे तुम बाल काहे मुड़वाए हो, उसने बताया कि दादा तुम्हारा दिया वो मंत्र काम नहीं किया, बोले इधर आओ। मंत्र क्या बात कहा था, क्या था, उसने आगे की पंक्तियां बोली, पत्नी का नाम भी बोला, बाद में बोला भक्षति भक्षति स्वाहा। तो बोले अरे दोस्त, जब तू खुद माता को बुला रहा है कि खा लो तो क्यों नहीं खाएं, अगर तू कहता बचा लो तो क्यों नहीं बचाती, तो रक्षति रक्षति की जगह तूने भक्षति कर दिया तो होगा। तो भाई तो बस वही है कि कहने का मतलब है कि जो लड़कियां हैं वो ये ना करें, वो ये करें, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्ना सुतान्विता मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यत्ना संशया। मनुष्य में महिलाएं और पुरुष सभी आ जाते हैं, तो उन्हें भी अच्छा कुल और अच्छा वर, अच्छा घर और अच्छा वर दोनों प्राप्त हो। तो इस उपाय को करने से लाभान्वित हुई और ये प्रयोग किया हुआ है। एक थे हमारे परिचित के, तो उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनको बताया था ये, उन्होंने किया था अभी इसी वर्ष जनवरी या फरवरी में उसी समय किया था। तो अब उनकी बात चलने लगी, नवरात्रियों में उनकी इंगेजमेंट, अभी विवाह नहीं हुआ है लेकिन नवरात्रि आने वाली है 1.5 महीने बाद, तो उनकी एंगेजमेंट है, उनका सारा कुछ सेट हो गया है। तो इसलिए जो व्यक्ति करना चाहे, जो साधक करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी, और आज की चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी, अगर ये जानकारी और चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं या कोई पारलौकिक समस्या का निदान चाहते हैं तो आप कॉलिंग फोर से कॉल करके वो निदान करा सकते हैं, वो जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इससे आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी और चर्चा कर सकते हैं। आदेश, जय श्री महादेव।